जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस, जिसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर बेटा है 22। कितना बेटा? 22, यानी कि कहने का तात्पर्य है इसके पहले बेटा हमारे 21 लेक्चर हो चुके हैं। इसके पहले बेटा कितने लेक्चर हो चुके हैं? इस चैप्टर के 21 लेक्चर हो चुके हैं और क्रम वाइज आपके 21 लेक्चर यहाँ पढ़ाए गए हैं। एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। तो जिन छात्रों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से सभी लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। आपको लेक्चर नंबर 21, 20, 19, 80, 70 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी दे सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप सभी छात्र आसानी से इसको सीख सकें, पढ़ सकें अपने भाई के साथ। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोटेशन बेटा है, दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जिन्होंने तब कोशिश की जब कोई उम्मीद नहीं थी। कहने का मतलब है दुनिया में जितनी चीज़ें पूरी की गई हैं वो क्या, जब उनकी उम्मीद हार चुके थे कि अब हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनके में आशा की किरण एक जिंदा थी, उम्मीद थी उनके में, कहीं ना कहीं दबी थी और उन्होंने फिर से कहा कोई बात नहीं, एक प्रयास और करते हैं। और यदि आपके दिमाग में कभी भी आप हार रहे हैं और लगता कि अब नहीं कर सकते हैं तो एक बार सोचिए सर एक प्रयास और हम कर लेते हैं, अपने दिमाग में अपने अंदर से पूछे कि एक प्रयास यदि हम और कर लें हो सकता है इस बार हम सक्सेस हो जाए। इसलिए कभी भी अंदर की उम्मीद को नहीं हारना चाहिए। यदि आप अंदर की उम्मीद को हार गए तो कुछ भी, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, चाहे कितना भी छोटा लक्ष्य हो, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने उम्मीद को बरकरार रखिए, जिंदा रखिए। यदि आप अपनी उम्मीद को बरकरार और जिंदा रखते हैं तो 100% सक्सेस होते हैं और 100% अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए कहा है कि दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीज़ें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जिन्होंने तब कोशिश की जब कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब उम्मीद की किरण दिख ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण अंदर से जगाई, कोशिश की और 100% सफल हुए। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक बेटा है लेंस में आवर्धन। क्या बेटा? लेंस में आवर्धन। इसके पहले एक बार हम आवर्धन सिखा चुके हैं, निकलो दर्पण में था। क्या था? दर्पण में आवर्धन। इसके पहले आपने किसमें सीखा? दर्पण में आवर्धन। ठीक, ध्यान समझिए बेटा। तो आज का हेडिंग आपकी मुख्य है लेंस। देखिए बेटा, लेंस में रेखीय आवर्धन ये आपकी मुख्य टॉपिक है आज, लेंस में रेखीय आवर्धन। थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम दर्पण की तरीके से थोड़ा चेंज है वो आपको अभी पता चल जाएगा। लिखिए किसी लेंस में, साथ ही में लिखिए बेटा, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। हम आपको बार बार बताते हैं कि कॉपी पेन साथ में बैठ के नोट साथ में बनाइए, नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं। किसी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बेटा? किसी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
किसका रेखीय आवर्धन? लेंस। अब देखो दर्पण में रेखीय आवर्धन और लेंस के रेखीय आवर्धन में अंतर क्या है? जब दर्पण का हम यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे किसी दर्पण में, जब दर्पण में रेखीय आवर्धन पूछेगा तो हम यहां लिखेंगे किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात क्लियर हुई? और यदि आपको लेंस में पूछता है तो क्या बताएंगे, खाली यहां पर दर्पण के स्थान पर लेंस यूज कर लेंगे, ठीक है, बस इतना चेंज है और सेम डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बेटा, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि मान लेते हैं आपको पता रेखीय आवर्धन को कैसे लिखते हैं, m से, तो m हो गया जाके, और प्रतिबिंब की लंबाई कहने का मतलब मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है आई और वस्तु की लंबाई कितनी है ओ, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई तथा वस्तु की लंबाई ओ है, तो m बराबर आई अपान ओ, आपको एक फार्मूला मिल गया। बात समझ में, m बराबर आई अपान ओ लिखना चाहना तो यहीं पे लिख लेना, इसी के नीचे, यदि m से प्रदर्शित करते उसी के नीचे हम लिख दे रहे हैं, ऐसा एक लाइन ये लिखना चाहो तो इतना और लिख लो, यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई, क्योंकि इमेज होती है ना प्रतिबिंब को इसमें कहते हैं, इसलिए आई तथा वस्तु की लंबाई ओ हो तो ठीक है, ये यहां पे लिख लेना इसी के नीचे, यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ हो तो, यहां पे लिख लेना उसके नीचे ही लिख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई आई हमने माना और उसके नीचे फार्मूला लिख लेना, यानी कि रेखीय आवर्धन बेटा क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि आपके पेपर में खाली पूछा जाता है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप चाहे दर्पण वाला लिखें चाहे लेंस वाला लिखें, बात एक ही, दोनों का नंबर आपको पूरे मिलेंगे। यदि स्पेशल पूछा जाता है कि लेंस में रेखीय आवर्धन लिखिए, दर्पण में रेखीय आवर्धन लिखिए, तो आपको यहां पर दर्पण लिखना पड़ेगा, और लेंस पूछता है तो यहां पे आपको लेंस लिखना पड़ेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई, ठीक है। बस क्या, किसी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसके कुछ अन्य फार्मूले होते हैं, इसके और कुछ अन्य फार्मूले होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, एक प्रूफ के माध्यम से उसकी भी व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, किसी लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, किसी, ठीक है, रब करते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए बेटा, एक चित्र बनाएंगे बेटा, उत्तल लेंस का बना रहे हैं, कैसा उत्तल लेंस, ये देखिए बेटा उत्तल लेंस का चित्र, देखिए बेटा ध्यान से, उत्तल ये बेटा हमारा हो गया, एक उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी बेटा क्या होगी हमारी अक्ष मान लेते हैं, ये अक्ष हो गई, ये बेटा हमारी क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसको बेटा क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमारी रखी बेटा ए बी, कौन सी रखी ए बी, जिससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये मुख्य के अक्ष के समांतर चली गई प्रकाश की किरण, और आपको पता है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर चली गई, ये बेटा हमारा क्या होगा, एक एफ टू होगा या एफ मान लेते, ठीक है। और आपको पता है एक किरण कहाँ जाती है, प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि ये हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है ऑप्टिकल सेंटर, इससे होकर जाएगी, तो ये प्रकाश किरण देखिए बेटा इससे होकर जा रही है, और कहीं पे काटेंगी तो ये किरणें दोनों आपस में काटी जाके,
आपको पता है प्रकाशीय किरण से होकर जाने प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। जहां पे दोनों किरणें आपस में काटी जाके, गौर करिएगा, जहां पे दोनों किरणें आपस में काटेंगी जाके वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। क्या क्या बनेगी बेटा बोलो, वहीं पे इसकी इमेज, ये कितना ए बी थी तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा, आपको पता है इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप, मुझे उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। कल आप लोगों को हमने सिखाया था कि प्रकाशिक केंद्र तथा वस्तु के बीच की जो बेटा दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी जो बेटा होती है यू होती है, बताया था कि नहीं आता था, और प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, वी होती। इतनी बात आप सीख चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी होती है, तो ये हमारा कितना बेटा होगा, वी हो गया। ये आप जानते ना, प्रकाशिक केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी यू, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी हो गई। ये कंप्लीट आपका चित्र तैयार हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट चित्र आपका तैयार हो गया। मान लेंगे, माना एक उत्तल लेंस एल है, इसका नाम दे देते हैं, ठीक, माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये दूरी जो हमारी है ए बी, ए बी वस्तु, इसकी हम दूरी मान लेते हैं ओ है, कितनी ओ, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितनी हम मान लेते हैं ओ है, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब जो हमारा रखा है इसकी दूरी हम आई मान लेते हैं, हम रेट से लिखे दे रहे हैं, कितनी मान लेते हैं आई, यानी कि यहां से ए डैश से बी डैश के बीच की दूरी बेटा हमारी कितनी आई है, कितनी है आई, चलो इसको हम बी यहां, बी डैश यहां बना देते हैं और ये दिखा देते हैं इतनी दूरी हमारी कहां, यहां तक आई है, ठीक। अब समझ गए ना, इतनी दूरी यानी कि वस्तु की दूरी ओ, जितनी बड़ी वस्तु रखी उसकी दूरी कितनी ओ मान ली, और क्या प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आई मान ली। यहां तक बात क्लियर हो गई ना, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा ए डैश बी डैश बनता है, इतनी लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। चित्र फटाक से बना लो बेटा, चित्र फटाक से बना लो, बन गया, लैंग्वेज लिखिए बेटा, ठीक है। माना एक उत्तल लेंस, माना एक उत्तल लेंस एल है जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु, जिसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर वस्तु कौन सी रखी बेटा, वस्तु ए बी रखी है, जिसके बाईं ओर वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर ए डैश, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक, यहां पे लिख लेना, जिसका प्रतिबिंब ब्रैकेट में कितना ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
मुझे उम्मीद है आप लोग इतना सीख चुके होंगे, ठीक है। लिख लो बेटा फटाक से। हो गया, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज रफ करें बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। इसके नीचे से आपका देखो बेटा, ये इधर गौर देख, गौर करिएगा बेटा, ध्यान से देखिए। क्या ज्यादा होगा इधर? देखो डिस्टेंस बिल्कुल इसके सीध तक प्रदर्शित की जाती है, मतलब जहां तक ये लाइन वहां तक सीधे में। तो बेटा आपको देखिए ध्यान से, आपका सी ए कितना होगा बोलिए बेटा, और सी ए डैश दो डिस्टेंस ने लिखी, तो आपका ध्यान से कहेंगे सर देखो सी ए लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर जितनी भी दूरियां होती कैसे नापते हैं हम? बोलो प्रकाशीय केंद्र से जितनी भी दूरियां बाईं ओर नापी जाती हैं वो कैसी होती है? ऋणात्मक, तो माइनस का यू हो गया, और दाईं ओर नापी जाती हैं वो प्लस की होती है। पहले भी सिखा चुके हैं चिन्ह प्रपाटी, आपको कई बार बता चुके हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्या कहा था, उसका लिंक दे दिया था, उसमें भी बताया था। और ये देखो ऊपर की ओर एक वस्तु रखी, तो ए बी कितना होगा बेटा हमारा? हमने कहा था जो ऊपर की दूरियां नापी, लेंस प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की जो दूरियां नापी जाती है वो धनात्मक होती, इसीलिए ए बी और आ कितना हो जाएगा, ओ प्लस का हो जाएगा, और कितना ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, माइनस का आई, क्योंकि ये प्रकाशीय केंद्र से नीचे है, प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती इसीलिए यू ऋणात्मक हो गया, प्रकाशीय ओर केंद्र से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती इसीलिए वी धनात्मक हो गया, प्रकाशीय केंद्र से ऊपर की दूरी धनात्मक होती इसीलिए यू धनात्मक हुआ, और प्रकाशीय केंद्र से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती इसीलिए वी ऋणात्मक हो गया। आपको देखो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण कहते खाली त्रिभुज लिखे, त्रिभुज त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए ए बी, ए बी और सी, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। देखिए समरूप आप में बहुत यूज हो रहा, समरूप वर्ड, समरूप त्रिभुज बहुत यूज हो रहा, और जितनी बार यूज होता हम उतनी बार बताते हैं कि समरूप होता क्या है, हर वीडियो में हम हर बार बताते हैं कि समरूप क्या होता है। यदि आप भी आपने सीख पाए हैं तो क्या आप सोचिए आप कहाँ पे हैं। तो हमने कहा ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप त्रिभुज है। और आपको पता समरूप त्रिभुज तभी होंगे जब किसी एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं? समरूप होते। क्या? यदि किसी एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। जैसे ये वस्तु सीधी रखी तो ये 90, ये वस्तु क्या प्रतिबिंब सीधा बना इसीलिए ये 90 हो गया, एक एंगल बराबर, इनके संगत एंगल बराबर। ये देखो दोनों में काम, ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है बेटा ये, और आपको पता है दो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते भाई, ए बी सी, ए सी बी और का ए डैश सी बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये कौन सा? ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी, ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ये वाला एंगल ए डैश बी डैश सी, ये एंगल और ये एंगल के आपस में बराबर है, यानी कि तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, यानी जब तीनों संगत कोण आपस में बराबर तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है यदि क्या त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। कैसे? उधर से लिख रहे हैं ए डैश बी डैश बेटा, ये देखो इसकी संगत भुजा, तो ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश बी डैश बटे कितना? ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा बराबर। इधर देखिए ए या सी ए डैश, सी ए डैश, सी ए डैश अपान कितना? सी ए। संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ए डैश बी डैश संगत इनका रेशियो निकाल लिया, ए डैश बी डैश बटे ए बी हो गया जाके, और सी ए डैश बटे सी ए हो गया जाके। इतनी बात क्लियर होगी? वैल्यू सबके डाल दो यहां से देख के, तो आपका देखो ए डैश बी डैश कितना? माइनस का आई, ए बी कितना? ओ बराबर, सी ए डैश कितना? वी, और सी ए कितना? माइनस का यू। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
या दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या जाए कि आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। और अभी आपने देखा था कि क्या इसके पहले जस्ट आपने अभी देखा था चूंकि क्या एम बराबर क्या होता है, चूंकि एम बराबर अभी आपने देखा था एम बराबर कितना आई अपान ओ, ये तो देखा था नहीं, ये तो देखा था। तो जहां आई अपान वहां पे क्या लिख सकते हैं m, तो m बराबर v अपान u, यानी कि एक आपका फार्मूला और m का मिल गया कि m बराबर कितना होता है v अपान u, नहीं m बराबर क्या हो गया v अपान u, यानी कि आपको रेखीय आवर्धन के लेंस में दो फार्मूले मिल चुके हैं, एक आई अपान ओ और एक क्या m बराबर v अपान u। हम यहां लिखते चल रहे हैं, देखिए एक फार्मूला हमारा क्या मिला जाके इस साइड, ध्यान से देखिए बेटा, m बराबर हमारा पहला मिला था आई अपान ओ बराबर दूसरा क्या मिला जाके v अपान u। अभी दो फार्मूले और निकलने वाले, कितने दो फार्मूले और निकलेंगे इतना नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। बेटा आप शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहते बेटा रहें और कमेंट जरूर किया करें, लाइक कर दिया करें बेटा, इतने लोग वीडियो देखते हैं लाइक बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करते रहिए बेटा, शेयर तो आप बेटा जरूर करिए, सिर्फ आपको इतना ही करना है शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, इसको रख करें, ठीक है। अब अगली हेडिंग है फोकस दूरी, इसी का मतलब, इसी में दो सूत्र और निकलने वाले हैं, फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, दूरी क्या होती है एफ, तथा फोकस दूरी तथा तथा क्या आपका वस्तु, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी के पदों में रेखीय आवर्धन, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं f, और ये क्या है f, और वस्तु की दूरी यहां पे क्या होगा u, f u तथा v में संबंध, कैसे बेटा फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी के पदों में रेखीय आवर्धन, कैसे, ध्यान से देखिए, आपको पता लिखो कि हम जानते हैं बेटा कल आपको फार्मूला का डेरिवेशन कराया था, वन अपान वी माइनस का वन अपान यू बराबर वन अपान एफ, ये तो कराया था, क्योंकि सर ये नहीं था वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस का वन अपान यू, बात तो एक ही है, बात तो एक ही, चाहे एल एच एस को आर एच एस मेरे को, चाहे आर एच एस को एल एच एस मेरे को, हमने आपस में टर्म पलट दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे, किस में निकालना है u, तो दोनों पक्षों में u से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दोनों पक्षों में u से गुणा कर देंगे, क्योंकि u के पदों में निकालना, इसलिए दोनों पक्षों यानी कि एल एच एस और आर एच एस में पक्षों में u से गुणा करने पर, ठीक करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो u अपान v माइनस का u अपान u बराबर u अपान f, ठीक इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो u से u कैंसिल हो गया, बचा क्या जाके u अपान v माइनस का 1 बराबर u अपान f, या तो बात क्लियर, u अपान v को ऐसा ही रखो 1 को उधर भेज दो, तो क्या बचा जाके देखिए u अपान v बराबर u अपान f प्लस का 1, यहां तक बात क्लियर हो गई, इतना नोट कर लो बेटा, ठीक है नोट कर लिया, ऊपर रफ कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से देखिए बेटा आपका क्या आया जाके, आप देखो u अपान v बराबर यहां से नीचे s f एलसीएम ले लेंगे, तो यहां बचेगा u और प्लस का कितना f, इसके नीचे वन मान लेंगे क्या, यहां पे तो वन है, इसके नीचे एक और वन मान लेंगे, तो एफ वन का एलसीएम एफ हो गया जाके, एफ से इसको डिवाइड किया वन आया, वन की मल्टीप्लाई यू से किया, फिर नीचे वन से इसको क्या किया
डिवाइड किया तो एफ आया, फिर एफ की मल्टीप्लाई वन से किया तो एफ आ गया। अब देखो अभी आपने सीखा था एक फार्मूला, चूंकि क्या सीखा था, चूंकि अभी आपका एक फार्मूला आया था, ये देखो इधर लिखा है एम बराबर वी अपान यू, अभी तो आपने निकाला था, यहाँ कितना यू अपान वी, यदि हम इसको पलट दें तो वी अपान यू बन जाएगा, उसके साथ में हम एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा कि नहीं, इसलिए हम क्या करें दोनों पक्षों में इसको आपस में पलट देंगे तो v अपान u बराबर f अपान u प्लस f हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई, u प्लस f हो गया, ध्यान से देखिए बेटा कितना हो गया u प्लस f हो गया। अब v अपान u को बेटा, v अपान u को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसके आसान में क्या लिख लेंगे m बराबर, इसको देखो भाई इधर पलटा LHS को तो RHS को भी पलटना पड़ेगा, तो M बराबर F अपान U प्लस F, एक फार्मूला आपको हम यहां से और मिल गया जाके, क्या मिला जाके M बराबर F अपान U प्लस F, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा एक फार्मूला यहां पर और लिख रहे हैं F अपान कितना U प्लस F, U प्लस F, एक फार्मूला और निकालना भी, यानी कि देखो M के तीन फार्मूले मिल चुके हैं, एक I अपान O, V अपान U, F अपान U प्लस F, एक फार्मूला आपको और मिलने वाला है, कौन सा देखे बेटा, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, एक फार्मूला और क्या है, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की, हम लिखे दे रहे हैं यहां पे एक फार्मूला और है, फोकस दूरी F तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी v के पदों में, के पदों में क्या क्या बेटा, फोकस दूरी f तथा प्रतिबिंब की दूरी v के पदों में रेखीय आवर्धन, बात समझ में आया कि नहीं, तो आपको बेटा फोकस दूरी इस बार क्या निकालना, फोकस दूरी f तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी v के पदों में हमें रेखीय आवर्धन निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत आसान है, देखते हैं इसको रब करें बेटा, लिख लिया है ना आप लोगों ने, तो बस वही फार्मूला, पुराना वाला फार्मूला फिर है, लिखोगे हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि अभी जो फार्मूला लिखा था ना, कौन सा, वन अपान वी माइनस का वन अपान यू बराबर वन अपान एफ, तो बेटा देखो अभी आपने क्या निकाला था, फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी u के पदों में रेखीय आवर्धन, तो इस बार आप क्या निकाल लें, प्रतिबिंब की दूरी v, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे बेटा देखिए, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करने पर, v से गुणा करने पर, गुणा करने पर, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू वी, वी अपान v माइनस का v इंटू 1 इंटू वी, तो v हो गया अपान u इक्वल टू 1 इंटू वी, तो v अपान f हो गया, ये मिल गया। अब देखो यहां भी v, यहां पे v, दोनों जगह v है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 1 बचेगा, तो 1 माइनस का v अपान u इक्वल टू v अपान f आ गया, v अपान f आ गया। अब देखो बेटा v अपान f को यदि हम बराबर के उधर भेज दें तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर उठाना है तो इधर ये प्लस का था तो इधर का माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इतना नोट करो बेटा, हो गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऊपर अलग करें बेटा, तो देखिए थोड़ा बचा बस, तो हमने क्या कहा बेटा, देखिए लास्ट वाली लाइन रख रहे हैं, बाकी सब रब कर दिया हमने, v अपान u को बराबर के उस साइड ले जाएं, तो यहां माइनस का था, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, इधर का प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो v अपान f है, उधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का कितना v अपान f इक्वल टू, और ये माइनस का तो उधर गया तो प्लस का, तो v अपान u हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और यहां पे f है, दोनों में 1 मान के LCM ले सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा f, हमने LCM ले लिया, तो इसके नीचे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को f से डिवाइड, तो f बचेगा ना, और f की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो कितना हो जाएगा f,
और इधर f से f को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई यदि हम v से करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, v ही तो बचेगा, तो माइनस का v इक्वल टू v अपान u हो गया। और अभी आपने देखा था क्या, चूंकि क्या होता है बेटा, चूंकि m बराबर v अपान u आप पहले से सीख चुके हैं, तो जहां पर आपका v अपान u है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो फटाक से लिखिए f माइनस v अपान f इक्वल टू क्या, m, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या f माइनस v अपान f, ये आपका फाइनल आया गया m बराबर f माइनस v अपान f। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि m के बेटा हमको कितने फार्मूले मिलेंगे जाके, चार, i अपान o v अपान u बराबर f अपान u प्लस f, ठीक है। चारों फार्मूलों को एक साथ लिख लेते हैं, देखिए बेटा इतना होगा ना, देखिए चारों को एक साथ में यहां लिखे दे रहे हैं, यानी कि m के आपके चार फार्मूले यूज होंगे, ये चारों फार्मूले न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, f अपान u प्लस f इक्वल टू f माइनस v अपान f। ये इतना कंप्लीट प्रूफ आपका हो गया, यानी कि आपको लेंस में यदि रेखीय आवर्धन निकालने हैं तो आपको बेटे कितने फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, चार। यदि आपको i o पता होगा तब भी m निकल सकता है, v u पता होगा तब भी m निकल सकता है, या f u पता होगा तब भी m निकाल सकते हैं, या f v पता होगा तब भी m निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपको m दे रखा v दे रखा तो u निकाल सकते हैं, यानी कि इन चारों फार्मूलों पे बेटे हमारे क्या लगने वाले हैं, न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये चारों फार्मूले समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तुरंत आप दोस्तों कमेंट करिए, आपके सारे सलूशन तुरंत आपको दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।